देवास रोड स्थित पुलिस लाइन में शुक्रवार को पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद पुलिस जवानों को नमन कर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी दी गई। शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों की याद में 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस लाइन में पिछले वर्ष देश भर में शहीद हुए 264 पुलिस अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इनमें प्रदेश के 16 जवान भी शामिल हैं। स्मारक पर आईजी अनिल सिंह कुशवाहा, विधायक पारस जैन, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महापौर मुकेश टटवाल, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल सहित पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। इस अवसर पर परेड का भी आयोजन किया गया। लोटी स्कूल से लापता हुई कक्षा 8वीं की छात्राओं को पुलिस ने बीना और निवाड़ी से पकड़ा। दो लड़कियों को पुलिस की टीम सुबह नीलगंगा थाने लेकर आई और परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस बीना के दो युवकों को भी साथ लेकर आई है। सोशल मीडिया पर निवाड़ी और बीना के युवकों से दोस्ती करने वाली लोटी स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्राएं 3 दिन पूर्व स्कूल से ड्रेस बदलकर लापता हो गई थी। परिजनों ने नीलगंगा थाने में उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लड़कियों के मोबाइल की जांच की, जिसमें बीना और निवाड़ी के युवकों से दोस्ती की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने कल दो लड़कियों को मालवा एक्सप्रेस से उज्जैन आते समय अकोदिया में ट्रेस कर अपने कब्जे में लिया और उज्जैन लाकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया, जबकि दो लड़कियों को निवाड़ी पुलिस की मदद से अपने कब्जे में लिया और सुबह उन्हें लेकर नीलगंगा थाने पहुंचे। दीपावली पर नई पेट स्थित माता गजलक्ष्मी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। कल सुबह माता गजलक्ष्मी का दुग्धाभिषेक किया जाएगा, शाम को 56 पकवानों का भोग लगेगा। इसके साथ ही मंदिर में आकर्षक विद्युत रोशनी भी की जाएगी। मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा ने बताया कि अति प्राचीन गजलक्ष्मी मंदिर में कल से 5 दिवसीय दीप उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। धनतेरस पर ही श्रद्धालुओं को माता जी की बरकत वितरित की जाएंगी। इसमें सभी को पीले चावल, कोड़िया, एक सिक्का और हल्दी की गांठें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की जाती है। रूप चतुर्दशी के दिन सुबह माता का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा, शाम को महाआरती की जाएगी। वहीं दीपावली के दिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक गजलक्ष्मी माता का 5000 लीटर दूध से अभिषेक किया जाएगा और दोपहर को महाआरती भी होगी। दशहरा मैदान हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा की स्कूल में तबियत बिगड़ी। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मी पिता अर्जुन सिंह पवार 16 वर्ष निवासी कल्याणपुरा 12वीं की छात्रा थी और दशहरा मैदान स्कूल में पढ़ती थी। परिजनों ने बताया कि लक्ष्मी गुरुवार को स्कूल गई थी, वहीं पर उसे उल्टियां होने लगी। स्कूल वालों ने फोन पर सूचना दी तो लक्ष्मी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। शाम को तबियत में सुधार हुआ तो घर ले गए, लेकिन देर रात फिर उसकी तबियत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। माधवनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया। अस्पताल प्रबंधन ने अज्ञात जहर खाने से लक्ष्मी की मृत्यु की आशंका जताई है। पुलिस ने कहा कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही उसकी मृत्यु के कारण का पता चलेगा।